क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? या चांदनी, अगर इस बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला ना, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। पर तुमने तो कहा था ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। हाँ कहा था, लेकिन उस ऑफिसर का ट्रांसफर कहीं और हो गया। अभी कोई नया ऑफिसर आया यार। हाँ तो उस ऑफिसर से बात कर लो। तुम ही तो कहते हो कि पैसों से किसी का भी ईमान खरीदा जा सकता है। हाँ पैसों से खरीद सकता है, पर क्या? पर वो औरतबाज है, उसको औरत का बहुत शौकीन है। फिर तो और अच्छा है, तुम उसे लेकर आओ, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। कैसे? तुम बस उसे लेकर आओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। अरे वाह, तुम कितनी अच्छी हो। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। ये सब तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए नहीं कर रही हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट में से 75% शेयर मुझे चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। ओके डन। ठीक है, ठीक जाओ उसे लेके आओ। ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। आइए सर, बैठिए ना सर। मैं आपके लिए दारू का इंतजाम करता हूँ। हाँ बैठिए। ठीक है, आप आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। चांदनी, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि राजेश है यहाँ पे। अब मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। ये लीजिए सर। सर लीजिए ना। हाँ।
और सर मेरी बीवी कैसी लगी? हाँ अच्छी है, अच्छी है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट मेरा ही है ना सर? हाँ कल 10 बजे ऑफिस में आ जाना। हाँ सच में? अरे सर आप यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, जाओ ना अंदर एंजॉय करो। मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो मेरे हस्बैंड नहीं। सच्ची? किसने तो सही कहा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। राजेश चेयर्स, आज के बाद सारे कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा है। ये क्या हो रहा था? राजेश जो एक कॉन्ट्रैक्टर था वो एक बड़े ऑफिसर से अपना कॉन्ट्रैक्ट पास कराने के लिए अपनी कंपनी की काबिलियत नहीं बल्कि एक औरत के साथ उस ऑफिसर को अय्याशी करा कर पाना चाहता था। और ताज्जुब की बात तो ये है कि वो औरत भी इस बात के लिए तैयार थी। आखिर कौन थी वो औरत और क्या रिश्ता था राजेश का और उस औरत का? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं काजल कपूर क्राइम के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। लालच और घूस, इस तरह की कहानी आपने देखी और सुनी भी होगी, लेकिन जिस्म फिरोशी के इस अंधे की कहानी को देखने के लिए आइए चलिए हमारे साथ। हेलो मित्तल साहब, कैसे हैं आप? सो सॉरी आपको मैंने वेट करवाया। वैसे आपको मैं आपका डिमांड पूरी कर दूं तो आप क्या वो मिलत नगर का नया कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाएगा ना? देखो राजेश, ये तो तुम्हारे माल पे डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट के लायक है भी या नहीं। मित्तल साहब आप तो बड़ा पुराना खिलाड़ी हो, माल को देखते ही समझ जाएंगे कैसा है। ठीक है दिखाओ फिर। उसके लिए आपको घर चलना पड़ेगा। घर? जी। घर क्यों? अरे आप आम खाइए ना, गुठली गिनने का काम मैं करूंगा। ओके चलो। वाओ क्या माल है, अभी तक तो चखा भी नहीं है, चखने के बाद क्या हाल होगा? आए दिन हम सोशल मीडिया या न्यूज के जरिए देखते हैं कि ब्रिज, सड़कें और बिल्डिंगें समय से पहले ही गिर जाते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि इसके पीछे घूसखोरी या फिर अनप्रोफेशनल लोगों को दिए गए काम की वजह है। और इसी तरीके से राजेश और चांदनी भी सरकारी ठेका लेना चाहते थे और उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेने पर कितने लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। क्या घूसखोरी का धंधा ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कहानी एक नया मोड़ लेगी, आइए देखते हैं। तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? नमस्ते साहब, मैं कुमारी। इसे मैंने यहाँ पे बुलाया है। बेचारी बेसहारा है, माँ बाप मर गए उसके, और वैसे भी हमारे घर के लिए कोई नौकरानी तो चाहिए ही थी ना, तो मैंने उसे यहाँ बुला लिया। कुमारी साहब के लिए चाय लेके आओ।
तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है ना बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफिसर्स यहाँ आते हैं अय्याशी करने के लिए, किसी को पता नहीं आज तक, अगर पता चल गया ना, और तुम किसी अनजान को घर पर ले आई? हाँ इसीलिए तो लाई हूं। मतलब अरे जाने मन, कब तक ये छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसी जिंदगी बिताते रहेंगे? बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो नए माल की भी तो जरूरत लगेगी। तुम्हें क्या लगता है लड़की मान जाएगी? ये तुम मुझ पे छोड़ दो और तुम कोई बड़ा ऑफिसर यहाँ पे लेके आओ। अरे बड़ा ऑफिसर क्यों, हमारा वो मित्तल साहब है ना, उनका प्रमोशन हो गया, लेकिन उनका रवैया कुछ चेंज हो गया। अब बड़े ऑफिसर हो गए तो रवैया तो चेंज होगा ही, उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम उनको लेके आओ, मैं संभाल लूँगी। ठीक है मैं लेकर आता हूँ। अरे चांदनी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो मित्तल साहब? बस बढ़िया। बड़े हैंडसम लग रहे हो आप। आइए बैठिए, मैं आपके लिए ड्रिंक बना देती हूँ। थैंक यू। तो राजेश चांदनी है तो बहुत कमाल की, लेकिन एक रात के लिए कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। ओहो मित्तल साहब, चांदनी तो आपकी दासी है और इस दासी को पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या अच्छा लगता है। आप तो बस पैक पीजिए। पैक तो हम पिएंगे। पर टेंडर करोड़ों का है। अगर ये टेंडर हमें मिल जाता है तो आपके लिए करोड़ों से भी ज्यादा का तोहफा हमारे पास है। अच्छा वो क्या है? कुमारी बेटा यहाँ है ना? कुमारी ये बड़े साहब है, इनको नमस्ते करो। नमस्ते। अच्छा कुमारी तुम अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ। अच्छा आप दोनों ड्रिंक कर लो, मैं उसको तैयार करके लाती हूँ। कुमारी कुमारी जी मैडम आई। इतना काम करती रहती हो, लो ये जूस पी लो।
नहीं मैम मुझे नहीं। अरे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, लो। अरे इतना सोच क्या रही हो, तुम्हें पता है तुम हमारे लिए कितने लकी हो। इस टेंडर के लिए हम कब से कोशिश कर रहे थे, तुम्हारे कदम पड़ते ही वो ऑफिसर भी मान गया। मैडम आप ना बहुत अच्छी हो, पता है आप मेरा बहुत ख्याल रखती हो, मेरे लिए कपड़े लाती हो, मुझे खाना देती हो और मुझे बहुत प्यार करते हो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी ना, आप और साहब हमेशा खुश रहे और आप बहुत तरक्की करें। तरक्की तो होती रहेगी, तुम ये पी लो। साहब मेरे बाहर वेट कर रहे, मैं अभी आती हूँ। मुझे क्या हो रहा है, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। अरे भाई कब तक इंतजार करवाओगे, कब चखाओगे रसमलाई? अरे मित्तल साहब कितना बेसब्र हो रहे हो। अच्छा चलो वो आपका अंदर राह देख रही है, पर थोड़ा संभाल के, कच्ची गली है। फिर तो मजा आएगा। राजेश कल 11 बजे मेरे ऑफिस आ जाना, टेंडर मिल जाएगा। अरे यार ये कर लेगी ना? डोंट वरी, मैंने उसके ड्रिंक में नशे की दवाई मिला दी है, अब सुबह तक वैसे भी कुछ उसे याद नहीं रहेगा। अरे वाह चांदनी तुम कितनी अच्छी हो। Cheers. सर आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ना बहुत चक्कर आ रहे हैं। सर ये क्या कर रहे हो आप? सर छोड़िए ना सर। राजेश और चांदनी इंसान की शक्ल में हैवान थे। पहले तो वो खुद जिस्म का धंधा करके टेंडर पास कराया करते थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। एक बेसहारा लड़की को नशे में धुत कराकर जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया। क्या लगता है राजेश और चांदनी की हकीकत को दुनिया के सामने ला पाएगी या फिर वो भी एक चांदनी बनकर रह जाएगी? आइए सर, आइए ना सर, बैठिए ना सर। आपके कदम हमारे घर पर पड़े सर, अब हमारी तरक्की होने से कोई रोक नहीं सकता। तरक्की और बदकिस्मती बोलकर नहीं आते राजेश जी। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही। और वैसे भी तुम्हारा काम तो तभी होगा जब मुझे माल पसंद आएगा। जरूर पसंद आएगा सर। चांदनी चांदनी कहाँ हो? अरे आओ कौन आया देखो। आइए आइए। वैसे इस घर की एक खास बात है, यहाँ पे जो भी आता है खुश होके जाता है। आप भी खुश होके जाएंगे तो ये टेंडर तो हमें ही मिलेगा। आपकी बातों से लगता है बहुत बड़ी लिस्ट है आपके पास। लिस्ट तो रखनी ही पड़ती है, पता नहीं कौन कहाँ काम आ जाए। वैसे ये सारी बातें छोड़िए, आप सिर्फ माल पे ध्यान दीजिए। बुलाइए माल जी। जरूर कुमारी। कुमारी
और सर माल कैसी लगी? ये हमारा टेस्ट। वैसे आप अपना टेस्ट यहाँ पे भी पूरा कर सकते हैं। हम तो सभी को पसंद आते हैं। बात तो एकदम सही कही आपने, सबको पसंद आते हैं। इतनी हिम्मत, मुझे चाटा मारोगे? मुझे? अबे तुम सिर्फ थप्पड़ मारा है, जब जेल में चक्की पीसोगे ना तो पता लगेगा। मतलब? इंस्पेक्टर तावड़े, क्राइम ब्रांच। तुम्हें पता है तुम औरत के नाम पर ना एक बहुत बड़ा कलंक हो। तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर दी। और तुम्हें क्या लगा मैं तुम दोनों से डर जाऊंगी? क्यों किया आप दोनों ने ऐसा? क्या मिला आपको मेरी जिंदगी के साथ खेलकर? रोना धोना बंद करो और इन सब चीजों की आदत डाल लो। देख लूंगी आप दोनों को, पुलिस के पास जाऊंगी मैं। अब नाटक बंद कर और अंदर जा। हमारे रोना धोना कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। वैसे तुम्हारे यहाँ पे कौन है? हाँ, रही बात पुलिस की, उसे तो हम पैसे देके खरीद लेंगे। पता है मैंने मौका पाकर ना इंस्पेक्टर से बात करती थी और इंस्पेक्टर तावड़े ने मेरी पूरी मदद की। पता है अगर आज मैं चुप बैठी रहती ना तो मेरी जैसी पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। और कितनी लड़कियां कुमारी बन जाती। मैं अब किसी और को कुमारी नहीं बनने दूंगी। कुमारी ठीक कह रही है। हम लोगों ने नाटक किया ताकि तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ सके। और अभी तक जितने लोगों ने तुम्हारे टेंडर पास किए हैं उनको हमारी टीम गिरफ्तार कर चुकी है। अब चलिए आप लोग वहां पे, मैं तुम्हारा टेंडर पास करवाऊंगा। चलो चलो चलो। थैंक यू कुमारी, गर्व है आप जैसे लोगों पर जो कानून की मदद करते हैं। थैंक यू। कुमारी बदकिस्मत और बेसहारा जरूर थी, मगर वो मजबूत इरादों वाली और हौसले वाली लड़की थी। उसने राजेश और चांदनी की धमकियों को नजरअंदाज किया और कानून का सहारा लिया, जो कि काबिले तारीफ था। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई गुनाह हो रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गुनाहगार बन जाएं, बल्कि कानून का सहारा लें और मुजरिम को पुलिस के हवाले करा दें। इस कहानी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेती हूँ और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद। Thank you.